हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी शैल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट एसे एंड द नेम ऑफ द एसे इज अवर सोशल एविल्स और हिंदी में इसको कहेंगे हमारी सामाजिक बुराइयां नाउ लेट्स स्टार्ट

और विश्वासों के लोग लिव हेयर यहाँ रहते हैं भिन्न जातियों समुदायों तथा विश्वासों के लोग यहाँ रहते हैं दीज पीपल हैव डिफरेंट फिलोसफी ऑफ लाइफ दीज पीपल ये लोग हैव रखते हैं डिफरेंट फिलोसफी भिन्न दर्शन ऑफ लाइफ जीवन का ये लोग जीवन का भिन्न दर्शन रखते हैं देर फोर देर आर वेरियस सोशल एवल्स इसलिए भिन्न भिन्न सामाजिक बुराइयाँ हैं इन अवर कंट्री हमारे देश में इसलिए हमारे देश में भिन्न सामाजिक बुराइयाँ हैं सम ऑफ द मेन सोशल एवल्स कुछ मुख्य सामाजिक बुराइयाँ आर गिवन बिलो नीचे दी गई हैं कुछ मुख्य सामाजिक बुराइयाँ नीचे दी गई हैं नंबर वन कास्टिज़्म एंड कम्यूनलिज्म कास्टिज़्म का मतलब जातिवाद एंड कम्युनलिज्म का मतलब संप्रदायवाद जातिवाद और सम्प्रदायवाद इन इंडिया पीपल आर डिवाइडेड भारत में लोग बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन धर्म के आधार पर कास्ट जाति के आधार पर एंड कम्युनिटी और समुदाय के आधार पर भारत में लोग धर्म जाति तथा समुदाय के आधार पर बटे हुए हैं इलेक्शंस आर वोन चुनाव जीते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन जाति और धर्म के आधार पर चुनाव जाति और धर्म के आधार पर जीते जाते हैं ड्यू टू कम्यूनल राइट्स सांप्रदायिक दंगों के कारण देयर इज़ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है आल वर्कस आर स्टॉप सारे कार्य रोक दिए जाते हैं ऑल दिस रिज़ल्ट और इन सब का परिणाम होता है इन मच नेशनल लॉस अत्यधिक राष्ट्रीय नुकसान के रूप में और इस सब का परिणाम अत्यधिक राष्ट्रीय नुकसान के रूप में होता है नंबर टू डोरी सिस्टम दहेज पर था. डोरी सिस्टम इज़ अनदर एविल ऑफ अवर सोसाइटी दहेज प्रथा हमारे समाज की एक दूसरी बुराई है इट इज़ ए कर्ज यह एक अभिशाप है फॉर आवर लेडीज़ हमारी महिलाओं के लिए यह हमारी महिलाओं के लिए एक अभिशाप है इफ़ द ब्राइड डज़ नॉट ब्रिंग एनफ डोरी यदि दुल्हन काफ़ी दहेज नहीं लाती है इन हर मैरिज अपनी शादी में यदि दुल्हन अपनी शादी में काफ़ी दहेज नहीं लाती है शी इज़ इल ट्रीटेड तो उससे बुरा व्यवहार किया जाता है एंड नॉट रेस्पेक्टेड और उसका आदर नहीं किया जाता यदि दुल्हन काफ़ी दहेज नहीं लाती है अपनी शादी में यदि दुल्हन अपनी शादी में काफ़ी दहेज नहीं लाती है तो उससे बुरा व्यवहार किया जाता है और उसका आदर नहीं किया जाता है सम्मान नहीं किया जाता है ड्यू टू डोरी डोरी के कारण यानी दहेज के कारण द ब्राइड्स आर बीटन दुल्हनों को पीटा जाता है बर्नट अलाइव ज़िंदा जला दिया जाता है एंड समाइम्स और कभी कभी देख कमिट सुसाइड वे आत्महत्या कर लेती हैं दहेज के कारण दुल्हनों को पीटा जाता है ज़िंदा जला दिया जाता है और कभी कभी वे आत्महत्या कर लेती हैं नंबर थर्ड पॉवर्टी गरीबी पॉवर्टी इज़ ए कर्ज टू आवर सोसाइटी गरीबी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है इट इज़ वेरी हार्मफुल ये बहुत ही हानिकारक है इट गिव्स बर्थ ये जन्म देती है टू मैनी क्राइम्स बहुत से अपराधों को ये बहुत से अपराधों को जन्म देती है द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल गरीब लोगों का प्रतिशत इन अवर कंट्री हमारे देश में इज़ स्टिल वेरी लार्ज अब भी बहुत बड़ा है हमारे देश में गरीब लोगों का प्रतिशत अब भी बहुत बड़ा है नंबर फोर ओवर पॉपुलेशन अधिक जनसंख्या अवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग हमारी जनसंख्या बढ़ रही है डे बाई डे दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है इन In इंडिया भारत में आफ्टर एवरी फिफ्टीन सेकेंड्स हर पंद्रह सेकेंड में ए न्यू चाइल्ड इज़ बोर्न एक नया बच्चा पैदा होता है भारत में हर पंद्रह सेकेंड के बाद एक नया बच्चा पैदा होता है द पीपल हैव नो नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी या ज्ञान नहीं है लोग परिवार नियोजन का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं नंबर फाइव इलिटरेसी ए साक्षरता इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इलिटरेट का मतलब अनपढ़ ए साक्षर इंडिया हैज़ भारत रखता है ए वेरी लार्ज नंबर एक बहुत बड़ी संख्या ऑफ इलिटरेट पीपल साक्षर लोगों की भारत साक्षर लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या रखता है चिल्ड्रन डू नाट रीड बच्चे नहीं पढ़ते बिकॉज दे हैव नो टाइम क्योंकि उनके पास समय नहीं है एंड मनी और धन नहीं है टू गो टू स्कूल स्कूल जाने के लिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के लिए ना तो समय है और ना ही धन नंबर सिक्स सुपरस्टिशंस अंधविश्वास इन इंडिया भारत में द एविल ऑफ सुपरस्टिशंस अंधविश्वासों की बुराई में भी सीन देखी जा सकती है एवरीवेयर हर जगह भारत में अंधविश्वासों की बुराई हर जगह देखी जा सकती है सुपरस्टिशंस वेरी ऑफन लीड्स अंधविश्वास अक्सर बढ़ावा देते हैं टू क्राइम अपराध को प्यूपल कमिट क्राइम्स लोग अपराध करते हैं टू क्योर ए डिजीज़ एक बीमारी का इलाज करने के लिए टू गेट चिल्ड्रन बच्चे प्राप्त करने के लिए एंड रिचेज़ और धन प्राप्त करने के लिए एट्सेट्रा इत्यादि लोग बीमारी का इलाज करने के लिए बच्चे और धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए क्राइम करते हैं अपराध करते हैं नंबर सेवन करप्शन भ्रष्टाचार इन इंडिया भारत में मोस्ट ऑफ द लीडर्स हमारे ज़्यादातर लीडर्स यानी नेता ऑफिसर्स अधिकारी पियोन्स चपरासी पुलिसमैन पुलिसवाले एंड क्लर्क्स तथा बाबू एटसेप्ट्रा इत्यादि आर करप्ट भ्रष्ट हैं भारत में अधिकतर नेता अधिकारी चपरासी पुलिसवाले तथा बाबू इत्यादि भ्रष्ट हैं मनी हैज़ बिकम एवरीथिंग फॉर अस मनी हैज़ बिकम धन हो चुका है एवरीथिंग हर चीज़ अस हमारे लिए धन हमारे लिए हर चीज़ हो चुका है नंबर एट टेररिज्म आतंकवाद इंडिया इज़ फेसिंग भारत सामना कर रहा है द एविल ऑफ टेररिज्म आतंकवाद की बुराई का एवरीवेयर हर जगह भारत हर जगह आतंकवाद की बुराई का सामना कर रहा है बॉम्ब एक्सप्लोजनस बम धमाके एट सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्लेसेस, सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक स्थानों पर हैव बिकम हो चुके हैं वेरी कॉमन बहुत सामान्य सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक स्थानों पर बम धमाके बहुत ही सामान्य हो चुके हैं नंबर बी कंक्लूज़न उपसंहार इफ़ वी वांट टू सी इंडिया यदि हम भारत को देखना चाहते हैं एक ग्रेट पावरफुल एंड डेवलप्ड नेशन एक महान शक्तिशाली तथा विकसित राष्ट्र के रूप में यदि हम भारत को एक महान शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं वी शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट तो हमें सरकार के साथ काम करना होगा सरकार का साथ निभाना होगा टू चेक दीज सोशल एविल्स इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए यदि हम भारत को एक महान शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए सरकार का साथ निभाना होगा नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शेल टीच यू एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक टिल देन गुड बाय